तो अब करियर का जो स्वरूप है वो बदल गया है। तो करियर का स्वरूप जब बदल गया तो कहीं ना कहीं हमें भी अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलेंगे तो फिर क्या होगा, समय ही आपको बदल देगा। तो आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो करियर तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन करियर के साथ साथ हमें स्पीड वाला करियर चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उस कैरियर के अंदर जो है स्पीड की वैल्यू ऐड होगी। आज अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप सोचिए कि एक एक व्यक्ति अपने लाइफ के अंदर जितनी मेहनत करता होगा 30 साल 35 साल 40 साल के करियर में, हम लोगों ने उतना अचीवमेंट जो है 5 साल में कर लिया था, 2001 से शुरू करके और 2005-06 तक तो करोड़पति हो गया था। सोचिए एक व्यक्ति अगर अगर 50,000 रुपये महीने कोई कमाएगा तो उसको 1 करोड़ रुपए तक पहुंचने में तकरीबन 17 से 18 साल लग जाएंगे, अगर कंसिस्टेंटली 50,000 रुपये महीने कमा रहा है। और वो कितना बचाएगा नहीं बचाएगा ये अलग सवाल। और हम लोगों ने 4 से 5 साल के अंदर जो है वो करोड़पति वाले लिस्ट में खुद आया और अपने साथ साथ बहुत लोगों को लेके आ गया। तो एज ए करियर की अगर जहां तक हम बात करते हैं तो अब समझिए कि उस चीज के अंदर स्पीड ऐड हो गया। और ड्यूसॉफ्ट आपको ये मौका देती है कि आप जो है वो बहुत कम समय के अंदर अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ला सकते हैं। जैसे कार आप खरीदेंगे, कार आप 50 साल में भी खरीद सकते हैं, लोगों ने खरीदा है ईएमआई पे लिया है, लेकिन कार आप 20 साल में भी खरीदेंगे। तो 50 साल में खरीदेंगे तो कार का यूटिलाइज कौन करेगा मिंटू जी? आपके बाल बच्चे। और 20 साल में जब आप खरीदेंगे तो कार का यूटिलाइज आप करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बेसिक फर्क है। और स्पीड जिस तरीके से जिंदगी के अंदर आया है, आप देख रहे होंगे ना, पहले के जमाने में क्रिकेट मैच में टेस्ट मैच चलते थे, चलता था ना, फिर एक दिवसीय मैच आया वनडे, और आज सबसे ज्यादा धूमधड़ा का कहाँ होता है, 2020 का मैच होता है, सबसे ज्यादा लोग वही मैच देखते हैं। हम लोग जिस समय ने पहली बार मोबाइल लिया था उस समय क्या था, वो 2G का जमाना था, वो चकड़ी जो घूमता था वो घूमता ही रह जाता था। फिर धीरे धीरे 2G कन्वर्ट हुआ 3G में, 3G कन्वर्ट हुआ 4G में, और अभी 5 दिन पहले ही आपने देखा कि सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपये आया है सिर्फ 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से। तो अब जो लाइफ है ना वो लाइफ स्पीड का नाम, अब हम जो है वो घिसे पिटे पुराने धरने पे चल के नहीं रह सकते, हमें स्पीड चाहिए। और हमें लगता है कि दुनिया के अंदर जो भी नई चीजें हैं, नए इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, आप उसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, आपको टेक्नोलॉजी के साथ ही आगे बढ़ना होगा। और आज की तारीख के अंदर इस कोरोना पीरियड में 2 साल में इस ऑनलाइन एजुकेशन ने क्या हमें सिखा दिया, क्या समझा दिया कि पूरी दुनिया 2 साल बंद हो सकती है लेकिन ऑनलाइन हर किसी को चला सकता है। वही कंपनी 2 साल चली जिस कंपनी का कारोबार ऑनलाइन के ऊपर था। और आप सोचिए ऋषि सर का विजन, सोच 22 साल पहले ही सोच लिया था कि 20 साल के बाद क्या होने वाला है। ऋषि सर ने तो हमें 22 साल पहले ही बोला ना कि ऑनलाइन एजुकेशन होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन शॉपिंग होगा, सब ऑनलाइन होगा। लेकिन हम लोग कब समझे, पूरी दुनिया कब समझी, जब कोरोना हो गया, जब पूरी दुनिया बंद हो गई। तो जिस टेक्नोलॉजी और जिस सोच के साथ ड्यूसॉफ्ट ने इतना बड़ा स्टेप लिया, हमें लगता है कि आने वाले कल में इस एजुकेशन के साथ लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। और हमें लगता है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट के सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब जो है वो बिल्कुल सैचुरेट हो रही है, तो इस इंडस्ट्री के अंदर आप अपनी मर्जी के हिसाब से खुद अपने लिए तो आप बहुत बड़ा लैंडमार्क बन ही सकते हैं, करोड़ों में अरबों में जा ही सकते हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो आप बहुत सारे लोगों के लिए एक आइकॉनिक फेस हो सकते हैं। और आपके माध्यम से भी, आपके सपोर्ट से भी हो सकता है कि सैकड़ों ऐसे लोग हों जिनकी जिंदगी बदल सकती है। तो मुझे लगता है कि उस समय की अपेक्षा आज ड्यूसॉफ्ट एज ए कैरियर मेरे लिए ज्यादा फेवरेट है। कि ड्यूसॉफ्ट को अगर हम एज ए कैरियर करते हैं तो एक नियत समय के अंदर, कम से कम समय में, हम अपनी जिंदगी की सारी चीजों को जो हासिल करना चाहते थे वो कम से कम समय में हासिल कर सकते हैं और सारे सपने एक एक करके। मिंटू जी थैंक यू सर। निश्चित रूप से जो लोग आ रहे हैं वो इसमें एज ए कैरियर ले सकते हैं, बहुत अच्छे से आपने बताया सर। सर एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा कि मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत तरह की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां काम कर रही है, लेकिन आप पिछले 21 सालों से एक एजुकेशन बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, क्यों सर? एजुकेशन तो हमारा क्या है, आपने निल्सन मंडेला का अगर नाम सुना होगा तो 22 साल के जेल के बाद जब निल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में जेल से निकले थे, जिसके बाद वो वहां के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने जेल से निकलने के बाद जो पहला स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट क्या था, अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बताऊं कि वो स्टेटमेंट था कि दुनिया को बदलने का जो सबसे शक्तिशाली हथियार है उस हथियार का नाम है शिक्षा। तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, ये कौन सी इंडस्ट्री है, एजुकेशन की इंडस्ट्री।
और एक चीज और आपने देखा होगा जो अभी इंडिया के अंदर टैगलाइन चल रहा है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, देखा है ना। यस सर, तो ये चीजें एजुकेशन के साथ जुड़ी हुई। और सबसे बड़ी चीज है कि जब हम लोग ज्वाइन किए थे, जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो उस समय 19 साल मेरा लाइफ हुआ था। और जो आपने कहा कि प्रोडक्ट बेस की बहुत सारी कंपनी है, वाकई में है। तो आप ये सोचिए कि अगर 19 साल के उम्र में मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चूज किया और ड्यूसॉफ्ट को चूज किया, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन देने वाली कंपनी। अगर ड्यूसॉफ्ट चावल दाल बेच रही होती, टूथपेस्ट और माउथ वॉश बेच रही होती, तो मैं नहीं ज्वाइन करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि उस समय मेरी पढ़ने लिखने की उम्र थी ना, पढ़ाई लिखाई वाले उम्र में अगर मैं किसी को प्रोडक्ट देने जाऊं तो लोग बोलेंगे तो सेल्समैन वाला काम कर रहा। और किसी भी चीज के अंदर होता, हम लोगों ने जितना सीखा है समझा है उसमें ये देखा है कि जब तक आप किसी भी प्रोडक्ट के आप एक यूजर नहीं होंगे ना, तब तक आप उसके प्रमोटर नहीं हो सकते। तो ड्यूसॉफ्ट का जो पैकेज था, मैंने शुरू में आपको कहा, आपको याद होगा कि जब मैं ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया था तो उस समय तक मेरे पास ड्यूसॉफ्ट की एबीसीडी नहीं आती थी और कंप्यूटर के कीबोर्ड पे मैंने हाथ नहीं डाला। तो मैंने इस प्रोडक्ट को यूटिलाइज किया, यूज किया, इससे खुद कंप्यूटर सीखा, समझा जाना, उसके बाद इसको प्रमोट करना शुरू किया। आज सोचिए कि ये प्रोडक्ट किस तरह का प्रोडक्ट है कि आज मैं अपने घर के अंदर, मैं सीखा इस सिस्टम के जरिए, जब मेरे पापा प्रिंसिपल हुए उस समय कॉलेज के जरिए उनको जो है लैपटॉप दिया गया, तो मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि पापा एक छोटा सा कंप्यूटर का कोर्स आपको भी मैं दे देता हूँ, कर लीजिए। बोला हम लोग का अब तो लाइफ खत्म हो गया, अब क्या है, अब तो रिटायर कर जाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। जब प्रिंसिपल मैंने लैपटॉप आ गया तो उन्होंने मुझे फोन किया कि तुम जो बता रहा था कंप्यूटर, लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि जो हम लोग का बुक है, क्या नाम है बुक का, जो इंग्लिश वाला जो आता है स्टेप इनटू द फील्ड, क्या नाम है उस बुक का, स्मार्ट ऑफिस प्रोफेशनल कोर्स, स्मार्ट ऑफिस प्रोफेशनल, वो छोटा सा बुक था। और वो बुक मैंने अपने पापा को भेजा गाँव और अपने एक एसोसिएट को बोला कि एक सप्ताह तक जाके पापा को थोड़ा सा लैपटॉप को समझा, एक सप्ताह के अंदर पापा ईमेल करना, ये करना, वो सारा सीखे। और आज मेरे बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, दोनों पटना की जो है बेस्ट स्कूल, वहां से स्कूलिंग कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि उस स्कूल के अंदर भी अगर एडमिशन हुआ, आप उस स्कूल को सर्च करेंगे तो आपको लगेगा कितना बड़ा स्कूल है, सेंट माइकल्स स्कूल पटना, मतलब ऑलमोस्ट 250 साल पुरानी स्कूल है। ड्रीम होता है जो पटना में लोग रहते हैं, बिहार के लोग, की उनके बच्चे उस स्कूल में पढ़े। तो उस स्कूल में भी अगर आज मेरे दोनों के दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ड्यूसॉफ्ट का ही सबसे बड़ा हाथ, कि जहां पे नॉर्मल घर के बच्चे जैसे ही आप मोबाइल देंगे तो उसमें जो है वो गेम खेलने लगेगा, इधर उधर देखने लगेगा यूट्यूब, हमारे बच्चे आज भी वो ड्यूसॉफ्ट का जो किंडरगार्टन है, ड्यूसॉफ्ट का जो इंसाइक्लोपीडिया था, ये देख देख के इतना अच्छा किया कि जो स्कूल के अंदर एग्जामिनेशन लिया गया तो एकदम पहले बार में ही निकाल। तो आप मेरे से ही अंदाजा लगाइए, दूसरे को आप छोड़ दीजिए, कि इस ड्यूसॉफ्ट में जो मैंने वो 10,000 रुपये लगाए थे उससे जो कमाए नहीं कमाए उसको छोड़िए, हिसाब किताब बराबर करते हैं, ये देखिए कि उससे मैंने अपने 3 जनरेशन को पढ़ाया। मैं खुद पढ़ा, खुद मेरी सॉफ्ट स्किल डेवलप हुई, खुद मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हुई, मैंने अपने पिताजी को पढ़ाया और आज मेरे दोनों बच्चे पढ़ रहे। तो आप सोचिए कि इस तरह का जो प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ये बिना एक्सपायरी डेट वाला प्रोडक्ट है, तो इससे बेहतर प्रोडक्ट क्या हो सकता है। और आपको पता है कि आज की तारीख के अंदर जिस एज में हमारे ड्यूसॉफ्ट यहाँ पे है, मोस्टली जो काम करते हैं हमारे साथ ड्यूसॉफ्ट में एसोसिएट्स, उनकी एज क्या है, 20 साल 22 साल 24 साल की है। तो 20 22 साल 24 साल के उम्र में मुझे लगता है कि ये एक जो है बेस्ट प्रोडक्ट है जिसको आप प्रमोट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको साबुन तेल बेचने का शौक है तो वो 40 50 50 साल के बाद जब आपकी एज हो जाए, तो अनुराग सर के लहजे में बोलते हैं कि ये जो काम है ना, ऑनलाइन एजुकेशन का जो काम है, ये जो है कंधे से ऊपर का काम है, अनुराग सर बोलते हैं, दिमाग का काम है। और जो प्रोडक्ट बेस वाला काम है ना, वो कंधे से नीचे का काम है, क्योंकि जहां भी जिसके घर जाएंगे बैग थाला लेके जाएंगे, 4 प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट है, जिस चीज की दरकार आज से पहले भी थी, सदियों पहले से, और इस चीज की दरकार सदियों तक रहेगी। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कभी न खत्म होने वाला है, ना एक्सपायर होने वाला है, ना इसकी कोई डिमांड खत्म होने वाली। हाँ, हमारे पास जो आया था उस समय ये था कि हम लोग इसके बारे में जानते नहीं थे, लेकिन आज तो आप सोचिए कि हर कोई ऑनलाइन का दीवाना है। तो मुझे लग रहा है कि अब तो आपको इसको प्रमोट करने में कहीं से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो हमारे लिए बेस्ट प्लान था ड्यूसॉफ्ट का ऑनलाइन। सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि आपने इतनी बड़ी टीम बनाई, लाखों की टीम बनाई, और पहले साल में ही 8,190 का आंकड़ा पार करके एक साल में 52 लाख कमाने का रिकॉर्ड बनाया सर, तो ये कैसे किया सर आपने? ये एक मैं पर्सनली जो मानता हूं ना,
जो टीम बनाई, तो टीम जो बनती है वो टीम जब पहले आप खुद करते हैं उसके बाद ही वो टीम बनेगी। तो जिस समय मैंने स्टार्ट किया था, मुझे याद है कि मैंने खुद काम करना शुरू किया और खुद काम करके एक बेंचमार्क सेट करता था, और शुरुआत के दौर में भी जो मेरी वर्किंग होती थी, मेरी वर्किंग में आपको कम से कम जो है अपॉइंटमेंट मान लें, प्लान्स मान लें या फॉलोअप मान लें, ये सारा जोड़ के 20 लोगों से कम से मैं डेली नहीं मिलता, कम से कम 20 लोग प्लस ही होते थे जिनसे मैं डेली मिलता था। कभी कभी तो ऐसा भी रहता था जहां पे एक एक दिन के अंदर 50 लोग, 60 लोग, 70 लोगों से मिलता। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जब आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं एज ए लीडर, आप फ्रंट पे लाते हैं, तो आप क्या करते हैं यही आपके लोग देखते हैं। तो जो भी हमारे साथ लोग थे उनको लगा कि जब इनकी अचीवमेंट्स ऐसी है और ये इस तरीके से मेहनत करने लगे, तो चूंकि आपको पता है कि ये सिस्टम जो है ये डुप्लीकेशन का सिस्टम, तो जैसे जैसे मैं करने लगा चीजें, हमारी टीम के लोगों ने जो है वो डुप्लीकेट करना शुरू किया, और जैसे जैसे डुप्लीकेट करना शुरू किया तो उसके बाद जो है वो टीम बड़ी बनने लगी। और इस चीज में मैं कहना चाहूंगा कि जो टीम बनी, उस टीम बनने में मेरी मेहनत की तो भूमिका थी, लेकिन मेरे साथ साथ जो भी हमारे एक्टिव अप्लाइंस थे, स्पेशली मनीष सर, चिंटू सर, रणबीर सर, इन लोगों ने भी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। इसलिए चूंकि ये जो पूरा ओवरऑल का जो काम है, ये काम आपका टीम वर्क का काम, आप अकेले अगर कोई ये कहे, मैंने कहा आपको कि 8190 लोगों की ज्वाइनिंग कराई एक साल के अंदर, तो मैं अगर पर्सनल लेवल पे जाता तो क्या आपको लगता है कि 8190 लोगों से मैं मिल सकता हूँ? नहीं। लेकिन ये टीम ने किया, लेकिन टीम ने कैसे किया, जब हमने अपने काम करके उसको प्रेरित किया। आपको भी एक लीडर बनना है, आपको बॉस नहीं बनना है, आपको मालिक नहीं बनना है, आपको लीडर बनना है और आपको अपने एसोसिएट का फ्रेंड बनना है। अगर आप अपने एसोसिएट के एक गुड फ्रेंड हो गए तो आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपके पद चिन्हों पर आपका एसोसिएट करते जाएगा। तो जिस तरीके से मनीष सर, चिंटू सर, रणवीर सर ने हमें काम करके दिखाया, मैं पूछने थोड़ी जाता था, मैं उनको देखता था, उनका एक्शन देखता था, और जब उनके एक्शन को देखता था तो उन्हीं के हिसाब से मैंने एक्शन लेना शुरू किया, और जब मेरा एक्शन अच्छा हुआ तो मेरी टीम ने एक्शन लेना शुरू किया, और धीरे धीरे वो टीम जो है वो बढ़ती चली गई। और दो तीन चीज हम लोगों ने बहुत तरीके से रखी, चूंकि आपको पता है कि ये काम जो है ना, ये टीम वर्क का काम है, तो टीम वर्क के काम में आपको टीम को एकदम एक अच्छे हेल्दी इन्वायरमेंट देने पड़ते हैं, टीम के अंदर एक आपको स्ट्रांग रिलेशनशिप आपको रखनी पड़ती है, और जब आप अकेले रहेंगे तो किसी भी चीज में आपको फेलियर होने का जो है डर या खतरा ज्यादा रहे, लेकिन जब आप टीम में रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे, तो वो डर खतरा रहता नहीं। तो हम लोगों ने जो भी काम किया बिंदास तरीके से काम, ऐसे देखते ना, अगर आप रोड पे चले जाएं और एक कुत्ते को आप मान लीजिए एक ढेला आप मार देंगे तो क्या होगा, कुत्ता भाग जाएगा, कुत्ता भाग जाएगा, लेकिन वही एक ढेला लेके आप मधुमक्खी के छत्ते पे मार के देखिए क्या करेगा, मधुमक्खी क्या हाल बनाएगा आपका। आप तो वही हैं जो कुत्ता को मारे थे, वही मधुमक्खी को भी मार रहे, ढेला भी वही है, जगह भी वही, सब कुछ वही है, लेकिन कुत्ता वहां पे अकेला था और मधुमक्खी पूरे के पूरे टीम में है। तो इसीलिए ये सिस्टम आपको तभी बिल्ड होगा जब आप टीम बनाएंगे। और आज जो मैं आपको कह रहा हूं कि 20 साल में इतनी बड़ी अचीवमेंट हुई है, इस अचीवमेंट का जो सार है वो 20 साल नहीं है, 20 साल तो हमने ड्यूसॉट में काम किए तो 20 साल हो गया, और ड्यूसॉट में 20 साल काम क्यों किए, ये भी एक सवाल हो सकता था, मैं अपने ही तरफ से बता दूं, ये 20 साल ड्यूसॉट में इसलिए काम किए कि पिछले 20 साल में ड्यूसॉट से बेहतर काम कोई मिला ही नहीं, अगर मिलता तो कर लिया होता, नहीं मिला। तो सोचिए हम लोग इतना देश विदेश घूमने वाले लोग, उसको जब 20 साल में ड्यूसॉफ्ट से बेहतर काम नहीं मिला, तो आप लोग तो अभी नए नए स्टार्टअप हुए, आपके लिए तो समझिए कि बेस्ट चीज यहाँ पे। तो टीम जो है, ये जो हम लोगों ने बनाई है, टीम बनाई है, मुश्किल से 4 से 5 साल की मेहनत, 2001 तो लास्ट में स्टार्टिंग किया, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 मान के चलिए, इससे ज्यादा हम लोगों ने मेहनत नहीं किया। 2007 तक में इतनी बड़ी टीम बना दी कि उस टीम का, क्योंकि ये टीम वर्क है ना, उस टीम की रेकरिंग आज जब काम नहीं भी कर रहे हैं, सप्ताह में जो 2 ही दिन मेहनत करते हैं, 5 दिन घर पे रहते हैं बच्चों के साथ या कुछ भी फैमिली के साथ या एंजॉय करते हैं, तब भी हमारे पेमेंट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बाकी दुनिया और इसमें सबसे बड़ा यही फर्क कि आप जो मेहनत करते हैं, बाकी दुनिया में आप जब तक मेहनत करेंगे तब तक आप खड़े रहेंगे, यहाँ पे आप शुरुआत के साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल मेहनत कर दीजिए, टीम बिल्ड कर दीजिए, लोगों को विजुलाइज कर दीजिए, लोगों को फोकस बना दीजिए, लोगों की अचीवमेंट्स बनाने में मदद करिए, एक बार जब वो अपने कदमों पे चलने लगेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपका जो है सिस्टम चलने लगेगा। एक व्यक्ति प्रवचन देख रहा था बाबा जी का, तो प्रवचन जब चल रहा था तो प्रवचन में बाबा जी ने पूछा कि स्वर्ग जो है वो कितने लोग जाना चाहते, तो वो व्यक्ति भी था, उसकी पत्नी भी थी और उसकी सास भी थी, तो उसकी पत्नी और सास ने हाथ उठाया
और इसने नहीं उठाया। तो बाबा जी ने पूछा कि तुम्हारी पत्नी और सास ने हाथ उठाए, वो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो? तो बोला ये दोनों लोग चले जाएंगे तो हमारे लिए यही स्वर्ग हो जाएगा ना, हमें जाने की कहाँ जरूरत। तो यही चीज सिस्टम के साथ है कि अगर आपके जो अपलाइन है वो कैप पे पहुंच जाए, आपके डाउनलाइन जो है वो कैप पे पहुंच जाए, तो आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप हमेशा थ्रू आउट कैप पे रहेंगे और दुनिया की कोई ताकत उससे नहीं हिलाएगी। लेकिन उसके लिए कुछ ऐसी चीजें जो आपको गांठ बांधनी होगी, जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स यहाँ पे हैं, जो चीजें हम लोगों ने नहीं की, आपको भी सलाह देना चाहूंगा सभी यंगस्टर्स को कि वो अगर नहीं करेंगे उससे अगर बच के चलेंगे तो बेहतर हो सकता है, जो सक्सेस की आपकी ड्यूरेशन है वो और छोटी हो सकती है। तो वो चीजें आपको, एक तो चूंकि जब हम यंगस्टर्स एज में आते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा फिसलन भरा होता है, और हम लोग जब काम करते हैं तो बॉयज गर्ल्स ये सारे एक साथ काम करते हैं, अच्छा माहौल बना के काम करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग थोड़े से डेविएट हो जाते हैं कि हमारा फोकस है डिवसॉफ्ट में कैंपिंग करने का और हम कहीं ना कहीं डेविएट। तो ये वाला जो और उम्र का तकाजा है, अगर आप 19-20 साल में इसमें नहीं लड़ाएंगे तो 50 साल में कहाँ जाएंगे आप लड़ाने के लिए? मैं इस तरह का वर्ड यूज नहीं करता हूँ, चिंटू सर हमारे विशेषज्ञ हैं, वो अच्छे तरीके से इसको बताते हैं कि कैसे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अगर आप 50 साल के उम्र में कार खरीदेंगे और जाएंगे महिला कॉलेज या गर्ल्स कॉलेज के सामने गाड़ी लगा के खड़े होंगे चश्मा लगा के, तो पता है वहां की लड़कियां क्या सोचेंगी अपनी बेटी को लेने के लिए आए, ये नहीं सोचेगी आप कुछ करने आए। तो वो एक उम्र है, लेकिन उस उम्र में इस चीज से हमें लगता है कि परहेज होना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना जिससे अगर आपकी डेविएशन आएगी तो आपकी सक्सेस जो आप सोच सकते हैं वो वहां तक आप नहीं जा पाएंगे। और मुझे लगता है कि जब आप सफल हो जाते हैं, चूंकि हम लोग के साथ भी आया, हम लोग भी ऐसे ऐसे मीटिंग्स में जाते थे जहां हजारों की संख्या में लड़के लड़कियां होती थी, और जब आप सक्सेस करते हैं तो लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपको उससे बचना है। आपको पता है कि जब आपकी सफलता आ जाएगी तो फिर तो सैकड़ों हजारों लोग आपके पास आएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा चीज था जिसको हम लोगों ने स्ट्रांगली होल्ड किया कि हमारे लिए, हम जिस उम्र में है, हमारे लिए सबसे हमारी पहली प्राथमिकता क्या है, हमारी पहली प्राथमिकता हमारा करियर है, ड्यूसॉफ्ट है, सक्सेस है, उसके बाद तो ये सारी चीजें आती रही। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे चूंकि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, लाखों करोड़ हम लोग पेमेंट्स ड्यूसॉफ्ट में भेजते हैं, ये करते हैं, तो आज तक मुझे याद है कि चिड्डू सर, मनीष सर, रणबीर सर या हम लोगों ने कभी भी किसी भी एक एसोसिएट्स का एक आईडी भी इधर से उधर किया हो, 5 लाख आईडी हम लोगों ने आज तक अभी तक निकाला उसमें, तो एकदम ये स्ट्रिक्ट रूल था कि ठीक है कहीं से भी कुछ होगा अपने पैसे प्लस कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन किसी ने अगर मेरे भरोसे के ऊपर सिस्टम में पैसे दिए हैं तो उस पैसे को किसी भी तरीके का जो है मतलब हम मिसयूज नहीं करना चाहेंगे, और उस पैसे को, क्योंकि उसने पैसे मुझे दिए मेरे फेथ पे, लेकिन पैसे उसने मुझे एक मीडिएटर के माध्यम से दिया, कहां पहुंचाने के लिए, ड्यूसॉफ्ट के पास। और अगर वो एक एसोसिएट्स का पैसा मैं गड़बड़ भी कर दूंगा, और सोच के देखिए कि वो एसोसिएट जिसका पैसा आपने गड़बड़ कर दिया, उसको कहते हैं ना गर्भ के अंदर भ्रूण हत्या कर दिया, और वो एसोसिएट कौन थे, चिंटू सर थे, वो एसोसिएट कौन थे, मनीष सर थे, वो रणविजय सर थे। आप सोचिए आप 10,500 रुपए की गड़बड़ी कर देंगे, लेकिन उस वो अगर आ जाते हैं ना तो वो आपको 50 करोड़ का बिजनेस। तो मुझे लगता है कि ये दो तीन चीजें जो है ये एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि इन चीजों को, चूंकि जब आप स्टार्ट करते हैं नया नया सक्सेस शोहरत आता है तो मतलब भटकाव आना शुरू होता है, तो हमको अपने पद से कहा जाता है कि फोकस कैन चेंज योर लाइफ। तो जो आपका फोकस है कि कैपिंग, हमें डिप्लोमेट बनना है, हमें एम्बेसडर बनना है, हमें कॉन्जुअल बनना है, वहां करिए। जब वो सारी चीजें आप कर लेंगे ना तो फिर बाकी की चीज जो है ना वो सारी चीजें आपके लाइफ के अंदर वो अपने आप आती चलेंगी। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हैं, और टीम जो बनाना है तो टीम तो बड़ा बनाना ही होगा, क्योंकि टीम बड़ा बना के ही आप इसमें बड़ी सक्सेस कर सकते हैं। और टीम बिल्डिंग करने के लिए टीम के साथ मेहनत करना होगा, टीम के साथ दिन रात एक करना होगा, टीम के जो लोग हैं उन लोगों के साथ जो है आपको मिलजुल के उसके सिस्टम को समझना पड़ेगा, उनके अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि क्या हमारे और उनके जो है सारे लोगों के सपने एक जैसे मैच कर रहे हैं कि नहीं, उनको ये लगता है कि नहीं ये एज ए अपलाइन मुझे सपोर्ट करके आगे तक ले जाएगा, क्योंकि दिखाने वाली बात अलग होती है और एक जो होता है एक सिस्टम वाली बात अलग होती है, तो उसको लगे कि नहीं ये सिस्टमेटिक वे में मुझे सफल कराने ले जाना है। और एक बार जब टीम आपकी बन जाएगी तो हो गया, यहां करना क्या है, यहां पे सिर्फ एक ही लेवल तक आपको टीम बनानी है। जब वो टीम आपको, मैं क्या बताता है कि 2006 से 2007 तक काम किया और आज 22 चल रहा, 15 साल से कैसे, 15 साल से जो मेरी गाड़ी चल रही है वो कौन सी
मोड में चल रही है, ऑटो पायलट मोड में, सेल्फ स्टार्ट मोड में, कि स्टार्ट वाला वो समय गया, वो अपने आप स्टार्ट है, कुछ नहीं करेंगे, लाइफ टाइम पैसा आएगा। तो ये चीजें अगर मेरे साथ हो सकती है तो ये चीजें आपके साथ भी हो सकती है, आप भी कुछ नहीं करेंगे पैसा आएगा, लेकिन उस चीज को करने के लिए आपको एक स्ट्रेंथ के साथ एक टीम बिल्ड करनी होगी, अपनी लेफ्ट राइट की जो है स्ट्रक्चर बिल्ड करनी होगी, और जब वो स्ट्रक्चर बनेगा तभी वो बड़ी इमारत। बहुत खूब सर, बहुत बढ़िया सर, आपकी बातों को सुनकर सर दो लाइनें मुझे याद आ गई कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। बहुत ही बढ़िया, ठान ही लेना है, ठान ही लेना है। और मैं आपको बोल दूं कि आज भले ही हम लोग 44 साल के हो गए हैं, 34-33 के, लेकिन मैं 44 के, लेकिन आपको लगता हो कि ये लोग ओल्ड हो गए हैं, ये लोग ओल्ड नहीं है, ये लोग तप तप के गोल्ड हो गए हैं। तो ओल्ड इज गोल्ड जो कहावत है ना, ये गोल्ड आपके पास है, और इस गोल्ड के जरिए आप जितनी सक्सेस लेना चाहते हैं, आप जितनी सक्सेस लेना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपको हम लोग के जरिए मिलने वाला है, इस सिस्टम के जरिए मिलने वाला है। और लास्टली मैं यही कहना चाहूंगा कि उम्र जो है ना वो हमें थका नहीं सकती, उम्र हमें थका नहीं सकती है, ठोकरें हमें गिरा नहीं सकती है, और अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां भी हमें हरा नहीं सकती है। यही मूल मंत्र हमें याद रखना है कि हमारी जीतने की जिद है और हम जीत के रहेंगे।